वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जीप्स। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो भाई एक और नया शानदार ब्लैक बीस्ट रेडी हो चुका है, तो भाई पूरा डिटेल से बताएंगे। बहुत सारे फीचर्स लगाए गए हैं और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कार लें या फिर एक जीप लें, क्योंकि जिनका सिंगल गाड़ी रखने का प्लान होता है तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको थोड़ा क्लियर करेंगे। बाकी भाई कैसे ऑर्डर करना है आपको, उसका इजी स्टेप बताएंगे हमारी आज की वीडियो के अंदर, तो वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं इस शानदार गाड़ी का वॉकआउट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये शानदार ब्लैक बीस्ट? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिखाएं। यार आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा है ना तो नीचे पूछ लें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन कोई सेपरेट वीडियो बनाने वाला हुआ तो वो भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछना मत भूलें और सजेशन जरूर दें यार, आपको गाड़ी कैसा लगा, क्या इसके अंदर अपग्रेड हो सकता है और किस कमी के कारण ये गाड़ी आपको अच्छा नहीं लगा, तो नीचे जरूर लिखें, आपको उसका भी रिप्लाई दे दिया जाएगा। और भाई आप हमें फॉलो जरूर करें हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जैन मोटर जीप, क्योंकि जो भी गाड़ी बनता है ना तो वहाँ पे अपलोड होता है, रील्स बनती हैं और लाइव स्ट्रीम के अंदर बातचीत होती है, तो वहाँ पे फॉलो करना मत भूलें। और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे जो देख रहे हैं हमारा चैनल आज पहली बार, और ऐसी शानदार वीडियो आपको यहीं पे देखने को मिलती रहेगी, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो बात करते हैं सबसे पहले इस शानदार गाड़ी की ऑनरशिप डिटेल के बारे में। दोस्तों ये गाड़ी हमने बना के दिया है मिस्टर श्रीधर जी, जो कि हैं राजामुंदरी एपी से। तो भाई एपी नंबर प्लेट के साथ ही हमने ये गाड़ी बना के दिया है, तो आंध्रा में जा रहा है ये गाड़ी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप किसी भी स्टेट के अंदर हो तो आपको आपकी स्टेट के नंबर के साथ हम गाड़ी प्रोवाइड करवा देंगे, आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवा के देंगे, पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट देंगे, ताकि फ्यूचर में आपको कहीं भी दौड़ने भागने की ज़रूरत ना पड़े। तो एपी रजिस्ट्रेशन के साथ हमने ये गाड़ी इनको बना के दे दिया है, इन्होंने पेमेंट वगैरह क्लियर कर दिया है, तो इनके नाम पे ट्रांसफ़र का प्रोसेस चालू हो चुका है। तो इनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तब तक गाड़ी है हम लोड करके यहाँ से भेज देंगे। तो इजी स्टेप है, बहुत ही अच्छी तरह से आप जान चुके हो, नहीं तो भाई मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा गाड़ी बनवाना है तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको सबसे पहले अपना बजट तय करना है। अगर आपका बजट 450 से ऊपर है तो फिर आप एक मॉडिफाइड जीप्स ले सकते हो, नहीं तो भाई आपको थोड़ा सा बजट तैयार करना पड़ेगा। 450,000 से नीचे कोई गाड़ी नहीं बनती और इनके ऊपर कोई ईएमआई या फाइनेंस की सुविधा नहीं होती, तो आपको सबसे पहले बजट रेडी करना है। 450 से ऊपर अगर आपका बजट है तो बहुत सारे फीचर्स भी लग जाएंगे और आपको उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, तो इसीलिए 450 से कम तो आप सोचे ही नहीं, 450 से ऊपर आप जितना भी बजट बनाओगे उतना ही अच्छा गाड़ी आपके लिए हम बना के दे देंगे। तो 450 के अंदर हम देते हैं बेस मॉडल गाड़ी, बेस मॉडल फीचर्स के साथ, उसमें पावर स्टेयरिंग, पावर ब्रेक, पावर क्लच तो होता ही है, महिंद्रा का टर्बो ब्लेरो इंजन, और भाई इसके अंदर जो है सिंपल ऑन रोड टायर आते हैं, और इसके अंदर अलॉय व्हील वगैरह तो हम देते ही हैं। बाकी पूरा डिटेल डिस्कशन आपको बना के देंगे हमारी एक वीडियो के अंदर, पर क्या करें भाई बहुत सारे कस्टमर्स हैं और बहुत सारे कस्टमर सिंपल जीप बनवाते ही नहीं हैं जो 450 की रेंज का हो, तो उनका भाई बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा सा वो कॉस्टली गाड़ी की तरफ जाते हैं। अगर आप अपने स्टेट के नंबर के साथ गाड़ी लेते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो आपको मौके पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप गाड़ी सेलेक्ट करें, ये जो गाड़ी आपको पसंद है उसका स्क्रीनशॉट भेजें कि भाई मेरे को ये गाड़ी पसंद है और मेरा बजट इतना है, तो हमारी मैनेजमेंट टीम या फिर खुद मैं आपको टोटल क्लियर करके देंगे कि हाँ आप इस बजट के अंदर ये फीचर्स लगवा सकते हो, और ये फीचर्स आप लगवा सकते हो, बजट बढ़ा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो भाई इस फीचर्स के अंदर जो है गाड़ी आपको रेडी करके दे देंगे। तो उसके बाद आपके साथ डील सेट हो जाएगी जब, तब आप एक बार आप मेरे से बात करें या पर्सनली बात करें, तो पर्सनली बात करके फिर आप अकाउंट नंबर में पैसा डालें, ताकि कोई भी जो है ना बात अधूरी ना रह जाए। तो आप पूरा डिटेल से डिस्कशन करके फिर अकाउंट में पैसा डालें और उसके बाद आपका गाड़ी हम रेडी कर देंगे,
45 डेज के अंदर, 45 डेज के अंदर पेपर वर्क भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पैसा पहले डाल दोगे तो आपके नाम पे ट्रांसफर भी हम पहले ही करवा देंगे, ताकि आपको गाड़ी जाते जाते साथ में ही कागज मिल जाए। हाँ, बट क्या होता है भाई, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं उनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू तो होता ही है यार, ये जाहिर सी बात है। आप एकदम में किसी को भी 5 लाख 6 लाख रुपए डाल दो तो मन में झिझक तो रहती ही है, पर फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, एक बार आप 50,000 रुपए डाल दें, नहीं तो 10-20,000 रुपए डाल के आप एक और बुकिंग कर सकते हो, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा काम करना। हाँ, 50,000 आप जब डाल दोगे तो बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर भाई आपको डेली अपडेट मिलेगा जब जब गाड़ी का आपका काम होगा। देखो, 1-2 दिन लग भी सकते हैं अपडेट को, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब 1-2 दिन काम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारा सर्कल है, तो कई बार ऐसा होता है भी 1-2 दिन किसी गाड़ी का काम रह भी जाता है, तो उसको फिर 1-2 दिन के बाद अपडेट मिल जाती है। जैसे ही कोई नया काम स्टार्ट होता है गाड़ी के ऊपर, तो फिर अपडेट हमारे कस्टमर्स को दे दी जाती है, अपने आप ही, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अपडेट वगैरह दे देते हैं। जैसे जैसे गाड़ी रेडी होता है, जैसे मान के चलो गाड़ी गया बॉडी फिटिंग के ऊपर, तो फिर आपसे पेमेंट लेंगे। बाकी पेमेंट शेड्यूल भी आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि हाँ भाई, हम इस टाइम पे आप पेमेंट लेंगे, आप रेडी रखना, जब आपका ये काम हो जाएगा आपसे पेमेंट ले लिया जाएगा, तो पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो वो जैसे जैसे गाड़ी रेडी होता है वैसे वैसे हम पेमेंट डलवाते हैं। पेमेंट डलवाने के बाद पूरा गाड़ी जब रेडी हो जाता है, तो आप पूरा कंप्लीट पेमेंट करते ही एक तो इसके पेपर अप्लाई हो जाते हैं ट्रांसफर के लिए, दूसरा ट्रांसपोर्ट के लिए बुक हो जाता है। अगर आप खुद आ सकते हो यहाँ पे गाड़ी लेने के लिए तो खुद आ जाना, नहीं तो फिर हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज देंगे। तो बहुत सारे फ्रेंड्स गाड़ियाँ ले रहे हैं, और कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि राहुल भाई यार, मेरा बजट है सिंगल गाड़ी का, मैं कार लूँ या जीप लूँ, थोड़ा सा मेरे को क्लियर करें प्लीज़। देखो दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ, कार तो बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि भाई कार सबसे पहले, कार लेने के बाद ये सेकेंडरी व्हीकल के अंदर आप जो है यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी जो बनी होती है वो हल्के फुल्के सफ़र के लिए, या फिर आप फार्म हाउस वगैरह में जा रहे हो, या फिर ऑफ रोडिंग कर रहे हो, हाँ आप लॉन्ग रूट पे जा सकते हो, लेकिन भाई कार जैसा कंफर्ट, जैसे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं, तो वैसा कंफर्ट इसके अंदर उतना नहीं होता। तो बाद में आपको बोलो, मैं यार भी सीधा क्लियर बता देता हूँ, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो सिंगल गाड़ी, एक गाड़ी लेना चाहते हो, तो आप कार की तरफ ही जाएं, या फिर आप कोई बलेरो या फिर ऐसा कोई स्कॉर्पियो वगैरह ले लें, तो उसमें थोड़ा सा जो जीप वाला फील भी आएगा और कार भी हो जाएगी। हाँ, स्पेशल एक गाड़ी लेना तो कार की तरफ मत जाएं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। कार लेने से ये एक तो आप लंबे सफ़र जा सकते हो भाई, फैमिली के साथ आरामदायक जा सकते हो, इसके अंदर जो है आप उतना कंफर्टेबल नहीं जा सकते, तो इसीलिए आप सबसे पहले कार को चूज करें। हाँ, फिर आप अपना शौक जरूर पूरा करें, कार के बाद ये सेकेंडरी व्हीकल आप लें, तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। मैं ये नहीं कहता भाई ये रास्ते में रुक जाएगी, पर आप उतना कंफर्ट नहीं देख सकते जितना कार के अंदर होता है, तो इसके अंदर उतना कंफर्ट नहीं आएगा। हाँ, इसके अंदर टायर वगैरह और स्मूथ लगे हों, और आप ऑफ रोडिंग को जाना चाहते हो, तो फिर आप जीप की तरफ जा सकते हो। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के लुक के बारे में, भाई लुक कैसा लगा आपको? अमेजिंग लुक है, क्योंकि इसके अंदर लगाए गए हैं आयरन के फेंडर। देखो, आयरन के फेंडर लगाने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, और आप इसके अंदर अगर फाइबर कार लगाते हो तो एक तो भाई उसके अंदर प्रॉपर कलर नहीं हो सकता, क्योंकि फाइबर होता है उस पर कितना भी प्राइमर लगा लें, कितना ही उसके ऊपर कवरिंग कर लें, कलर उसके ऊपर नहीं टिक सकता। जैसे ही वॉश करवाओगे, सीधा फुहरा कर दिया तो रंग उतर सकता है, या हल्का टच कर दिया तो कलर उतर सकता है। एक तो इसके ऊपर कलर बिल्कुल नहीं उतरता, दूसरा इससे क्या है, फेंडर की चौड़ाई बढ़ गई है, तो कई बार कोई गोबर वगैरह लगता है या कोई कीचड़ वगैरह लगता है, वो गाड़ी की साइड पर नहीं लगता, तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा, टायर लगने से भी ये नहीं टूटेगा, वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, पर फिर भी अगर टायर इसके अंदर जो है फाइबर वाला उसके अंदर टच करता है, इसके अंदर टच नहीं करता, तो ये बेनिफिट भी इसके अंदर है। तो ये जो है एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, आप अपना बजट सबसे पहले प्रिपेयर करें, अगर आपका अच्छा बजट है तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी मैनेजमेंट आपको बता देगी, तो बहुत ही ईजी रहेगा। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट जरूर करें हमारे नंबर 8199061161 के ऊपर। तो बात करते हैं सबसे पहले भाई इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर इसका भाई इसके अंदर लगा है ब्लैक टोटल और विद ऑरेंज कलर। देखो इसके अंदर जो इंटीरियर लगाया गया है ना भाई, सबसे पहले मैटिंग देखें आप, पूरा ओरिजिनल मैटिंग इसके अंदर लगाया गया है, और इसके अंदर जो है टच स्क्रीन लगाया गया है, पीछे रियर कैमरा है, आप बैक करते हो तो भाई इजीली सारी स्क्रीन जो है आपको दिखेगी। अंदर कंसोल वर्क किया गया है, वो भी इसके अंदर ब्लैक ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दिया गया, और एसी सिस्टम इसके अंदर लगा दिया गया है, ताकि पूरा गाड़ी इसके अंदर
आपको एसी के अंदर फील हो, अच्छा लगे, ठंडा हो गाड़ी। और साइडों पे इसके अंदर जो है विंडो लगा दी गई हैं, आप इसको अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। और थार का स्पेशली रूफ इसके अंदर लगा दिया गया है, आप इसको ओपन करना चाहते हो ओपन कर सकते हो, नहीं तो भाई इस रूफ की खासियत होती है नीचे रेक्सिन होती है, ऊपर कपड़ा होता है। कपड़ा होने के कारण इसका जो धूप वगैरह है तो वो एक तो गर्मी नहीं आएगी अंदर, दूसरा कपड़े के कारण क्या है नीचे जो रेक्सिन लगा उसके अंदर बारिश का पानी जो है नीचे नहीं आता, तो ये बेनिफिट है। ओरिजिनल थार का ही रूफ इसके अंदर लगाया गया है, तो चेक बॉक्स वाला ये रूफ आया है। बहुत सारे रूफ्स और भी ऑप्शन आते हैं बट भाई बेस्ट यही है आप अगर आप लगवाना चाहते। साइड फेसिंग सीट के साथ ये गाड़ी बनाया है, रियर डोर इसके अंदर लगा दिया गया है और इसके अंदर लुक जो है ना भाई वो भी ऑसम ही लगता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसके अंदर जरीकेन वगैरह चाहते हो या फिर कुछ और इसके अंदर लगवाना चाहते हो तो फिर आपको डोर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, डोर के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर भाई थोड़ा लेडीज तो बैठ जाती हैं लेकिन बुजुर्ग नहीं बैठ पाते आगे से आपको इंटरेस्ट करोगे तो बच्चे वगैरह तो वैसे भी बैठ जाते हैं भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपना लुक देखें, कैसा लुक में आपको गाड़ी चाहिए, कितना आपको जो आपको यानी कि कितने आपके मेंबर्स हैं गाड़ी के अंदर जाने वाले, तो उसके अकॉर्डिंग आप गाड़ी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये गाड़ी अगर आप बनवाना चाहते हो ना तो समथिंग 6,80,000 रुपए की गाड़ी पड़ेगी। बाकी भाई रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया, अगर आप अपनी स्टेट के नंबर के साथ गाड़ी लेना चाहते हो तो बहुत ही इजी है, आपको हर डिटेल समझा दिया जाएगा हमारे नंबर 8199061161 के ऊपर। तो अग्रेसिव ग्रिल के साथ और ब्लैक कलर के साथ गाड़ी जा रहा है आंध्र प्रदेश, और भी बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जल्दी ही हमारे चैनल के ऊपर। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, तो कुछ नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा आगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।